एक्सलेशन द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, टाइम के लिहाज से अब वेलोसिटी में जो तब्दीली आती है उसको हम एक्सलेशन बोलते हैं, और इसको मैथमेटिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं ए इज़ इक्वल टू वी ओवर टी। वी के ऊपर एरो और ए के ऊपर एरो इसलिए है कि एक्सलेशन जो है वेक्टर क्वांटिटी है, इसी तरह वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। यूनिट जब हम लिखते हैं इसका तो हमारे पास वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड, अब नीचे टी है तो अब ये क्या हो जाएगा मीटर पर स्क्वायर, तो एक्सलेशन का यूनिट मीटर पर स्क्वायर। डायमेंशन इसकी देखें तो मीटर के लिए एल इस्तेमाल होता है जबकि सेकंड के लिए टी, तो एल टी माइनस टू ये हमारे पास डायमेंशंस आ जाएगी। अब हमें पता है कि एक्सलेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन हम देखते हैं किस तरफ होती है, इट्स डायरेक्शन अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। अब जिधर वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी की चेंज होने की डायरेक्शन होगी उसी सीमत में एक्सलेशन की डायरेक्शन होगी। मिसाल के तौर पर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसकी कोई कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, स्पीड होगी। अब वो वेलोसिटी फॉर एग्ज़ाम्पल कम हो रही है तो एक्सलेशन की डायरेक्शन जो है वो उसकी बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी, और अगर जो है ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एक आप समझ लें यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ और एकदम से उसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है, तो उस सिमत में जो एक्सलेशन की डायरेक्शन होगी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन उसकी होगी। इसी तरह हम एवरेज एक्सलेशन की डेफिनेशन लेते हैं, द रेशियो ऑफ द टोटल चेंज इन वेलोसिटी टू द टोटल टाइम टेकन। अब अगर रेशियो लें हम, यानी कि टोटल चेंज इन वेलोसिटी, जितना भी वेलोसिटी में चेंज आया है और उस दौरान जितना भी टाइम लगा है टोटल टाइम, उसको डिवाइड करें तो हमारे पास एवरेज एक्सलेशन आ जाता है। यहाँ पे एवरेज एक्सलेशन को हम ऐसे लिखते हैं, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, स्मॉल चेंज इन टाइम। अब वेलोसिटी को चेंज लिखते हैं वी टू माइनस वी वन, और इसको हम ऐसे दोबारा से यानी कि इस शक्ल में भी लिख सकते हैं और इस शक्ल में भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास वेलोसिटी है किसी भी ऑब्जेक्ट की 50 मीटर पर सेकंड और टाइम जो है वो हमारे लिए लगा है 5 सेकंड, तो उसकी जो एवरेज एक्सेलेरेशन होगा वो हम क्या लिखेंगे, वी ओवर टी। वी हमारे पास 50 है और टाइम जो है वो 5 है, तो 10 मीटर पर स्क्वायर यहाँ पर हमारे पास इसका एक्सेलेरेशन आ जाएगा। इसी तरह इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन की बात करते हैं, ये इंस्टेंटेनियस जैसे कि नाम से जाहिर है कि इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है मोमेंटली, यानी कि एक मोमेंट में उसका किसी भी मोमेंट में जो एक्सेलेरेशन क्या था, तो उसके लिए हम पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। लिमिटिंग वैल्यू ये हमारे पास लिमिटिंग वैल्यू है ऑफ किसकी, डेल्टा वी ओवर डी एज द टाइम इंटरवल डेल्टा टी। जैसा कि हमारे पास एक टाइम इंटरवल होता है डेल्टा टी, उस छोटे से टाइम में फॉलोइंग द टाइम, टाइम को फॉलो करते हुए अप्रोचेस टू ज़ीरो, हमारे पास ये जो वैल्यू होगी टाइम की वो अप्रोचेस क्या कर जाएगी, ज़ीरो। तो किसी भी लम्हे के लिए जब हम एक्सेलेरेशन फाइंड करते हैं तो उसको एक्सेलेरेशन को कहते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन। इसकी मैथमेटिकली फॉर्म ये होगी हमारे पास, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। इसमें एक चीज़ नोट करने वाली है एक्सेलेरेशन में कि इफ़ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज़ इंक्रीजिंग, अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल वो मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में और उसकी वेलोसिटी अचानक इंक्रीज़ हो जाती है, फास्ट हो जाती है, पहले से ज़्यादा हो जाती है, तो एक्सेलेरेशन जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसी तरह अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी स्पीड जो है उसकी स्लो हो जाती है, तो अब स्पीड स्लो होने से उसकी जो एक्सेलेरेशन है वो नेगेटिव हो जाएगा।